नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। नमस्कार, मैं कुंदन जमैया। तो नॉनस्टॉप कवरेज जो है वोटिंग के हम आपके लिए लेकर के आए, नॉनस्टॉप खबरें आपके लिए हम लेकर के आए, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वोटिंग की हर एक तस्वीर हर एक खबर सबसे पहले आपको बताएंगे। तो लोकतंत्र के महापर्व से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर यह है कि पोलिंग बूथों पर शुरू हो गया है मतदान। मतदान बूथों पर लगी है वोटर की भीड़, ये फिलहाल जानकारी मिल रही। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो गया है, पोलिंग बूथों पर शुरू हो गया मतदान। बिल्कुल, तो पोलिंग बूथों पर मतदान शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं मतदान से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पोलिंग स्टेशन पर लोगों का आना जाना लगातार जारी। इन सब के बीच ऐसा लग रहा है कि मोहन भागवत हैं जो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये देखिए, ये अच्छी तस्वीर है लोकतंत्र की। आप सुबह सुबह मतदान कर दीजिए, दरअसल गर्मी का वक्त भी है। चाहे उत्तराखंड की बात हो, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों की बात हो, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है दिन जैसे चढ़ता है, तो ऐसे में सभी लोग सुबह सुबह मतदान कर लें। यहाँ पर आप देखिए RSS प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर मतदान करने के बाद मतदान का निशान दिखाते हुए। बिल्कुल, तो आज 21 प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और ये देखिए जनता से भी वोट की अपील की गई है। स्याही का निशान दिखाकर ये कहा गया है कि आप भी जाइए और सबसे पहले मतदान कीजिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम ये जो बड़े नेता हैं वो भी एक एक करके मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारी भीड़ इस वक्त वोटर्स की भी नजर आ रही है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो जगह जगह पोलिंग स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, कहीं कोई दिक्कतें पेश ना आए। और नागपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां RSS प्रमुख मोहन भागवत ने अपने वोट का अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिया है और जनता से भी वोटिंग की अपील की है। तो ये तस्वीरें देखिए, 7 बजते ही मोहन भागवत जो हैं वो सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे। उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर वोटिंग से जुड़ी हुई महाकवरेज लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नागपुर की, जहां पर RSS प्रमुख मोहन भागवत मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो क्या कहते हैं इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन आज दिन भर हम आपको चुनाव जुड़ी हुई खबरें दिखाते रहेंगे, मतदान जुड़ी हुई खबरें दिखाते रहेंगे। बिल्कुल, तो देश की तरक्की के लिए हर एक वोट कितना ज्यादा अहम है, कितना ज्यादा जरूरी है, यही दर्शाने की कोशिश भी की गई है और इसी वजह से हर आम हो या खास, हर कोई सबसे पहले आज दिन की शुरुआत इसके साथ कर रहे हैं। अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए, इसलिए आज सबसे पहला व्यक्तिगत कार्य मैंने ये किया है कि मैंने मतदान किया। मतदान हे आपलं कर्तव्य आहे आणि आपला अधिकार सुद्धा आहे। मतदानाने येत्या 5 वर्षाकरता आपण आपल्या देशाचं भाग्य निर्धारित करतो आणि म्हणून प्रत्येकाने मतदान केलं पाहिजे। 100% मतदार मतदानात आले पाहिजे। म्हणून आज पहिलं काम जे मी केलं उठल्यावर ते मी मतदान केलं। भगवत को सुना आपने, जो कि कह रहे हैं कि कर्तव्य भी है, आपका अधिकार भी है, इससे सबसे पहले मैंने आज दिन की शुरुआत मतदान के साथ की है और उन्होंने लोगों से भी, जनता से भी वोटों की अपील की। चलिए तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है, वोटिंग शुरू हो गई है। आकाश शर्मा मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तस्वीरें दिखाएंगे। आकाश से सबसे पहले रुख कर लेते हैं। आकाश, तस्वीरें दिखाइए सबसे पहले, क्योंकि सुबह की पहली तस्वीर देखना चाहते हैं लोग कि किस तरीके से मतदान केंद्रों पर भीड़ है लोगों की। बच चुके हैं और आज प्रथम चरण का जो मतदान है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और अभी जो सबसे पहला मतदान है वो मुरादाबाद के जिलाधिकारी मानवेंद्र कुमार सिंह ने जो है वो अभी यहाँ पे करा है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं जो वोटर्स हैं वो सुबह ही अपने वोट डालने के लिए आप आ चुके हैं। बात कर लेते हैं हम सीधे, आप लोग वोट डाल कर आए हैं? वोट डाल के आए हैं।
पहली बार वोट डाला? पहली बार वोट डाला है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, पहली बार वोट डाला? हाँ जी, पहली बार वोटिंग की है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मुद्दे हैं दिमाग में आज, जिन मुद्दों को लेकर? रोजगार। रोजगार, हाँ जी, इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं हो सकता। डेवलपमेंट चाहिए इंडिया के अंदर, यही मुद्दा है। आप वोट डाल कर का आए हैं अभी पहले, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा। सुबह के टाइम भी वोट डाल के आए? हाँ। देखिए जो कुंदन, जो लोग हैं उनके अंदर उत्साह है, सुबह से वोटिंग जो है वो शुरुआत हो चुकी है। सामने की तरफ मैं आपकी बात में अभी करवाऊंगा, अभी मुरादाबाद के जो जिलाधिकारी है मानवेंद्र कुमार सिंह, वो अपने मत का उपयोग कराए क्योंकि 7 बजते ही वो यहाँ पे पहुंच चुके थे बूथ पर, और पहुंचने के बाद में सबसे पहला वोट जो है वो मानवेंद्र कुमार सिंह जी ने अपना जो है वो यहाँ पर उपयोग करा है, और उसके बाद से लगातार जो है अब आगे वोटिंग जारी रहेगी। अभी हम आपकी बात भी उनसे कराएंगे क्योंकि लगातार इस समय चल रहा है, देख सकते हैं आप। निगम के द्वारा कई बूथों पर काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विधानसभा में एक पिंक बूथ बनाया गया है जिसमें सभी कर्मी जो है सब महिलाएं होंगी, और इसी प्रकार प्रत्येक इसी में एक दिव्यांग जनों का बूथ बनाया गया जिसमें सभी मतदाता कर्मी जो है वो दिव्यांग मतदाता कर्मी है। देखिए कुंदन सर हमारे साथ इस समय जिलाधिकारी तो हमारे साथ मौजूद भी हैं सर, अभी आपने भी मतदान का अपना कर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे क्योंकि सबसे पहला वोट आपने ही डाला है? नहीं, इस बूथ पर मेरा तीसरा वोट था और मैंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मैं जनपद वासियों से मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और 2019 में यहाँ पर 65% मतदान हुआ था, इस बार कम से कम 75% मतदान होना चाहिए, मैं यही सब लोगों से अपील करना चाहूंगा। किस तरीके की व्यवस्था इस बार करी गई है क्योंकि 1728 बूथ है, और ऐसे में क्या व्यवस्था करी गई है? देखिए व्यवस्थाएं जब से ईवीएम से वोटिंग हुई है तब से किसी प्रकार की जो नेगेटिविटी रहती थी जो इलेक्शन में वो कम हुई है, बल्कि न्यून हुई है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ लोग पर्दे की आड़ में जो लोग घूंघट कर में वोट डालते हैं या बुरके के अंदर में फर्जी वोट डालने का प्रयास करते हैं, उन लोगों से मेरी अपील है कि कृपया ऐसा प्रयास न करें, और उसके लिए हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था की है कि हम लोग फ्रिस्किंग करवाएंगे उनकी, और इसमें पाया जाता है कि कोई दूसरे मत व्यक्ति के मताधिकार का प्रयोग कर रहा था करेगा तो मैं उसके विरुद्ध जरा सख्ती कार्रवाई करेगा। मतलब आप पूरी तरह से निष्पक्ष कराने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं? हाँ बिल्कुल निष्पक्ष मतदान। आकाश, मैंने बताया ना कि जब से ईवीएम से मतदान हुआ है तो निष्पक्षता काफी चले में लौटता हूँ। मुरादाबाद को लेकर के किस तरीके से वोटिंग की तस्वीरें सामने आ रही है वो हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। हम हरिद्वार का रुख कर लेते हैं, रामानुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामानुज, आज तो 5 सीटों पर एक साथ वोटिंग होनी है, वहां पर जहां पर आप जिस बूथ पर आप मौजूद है वहां की तस्वीरें दिखाई और कुछ मतदाताओं से अगर बातचीत हो सकती है तो बताइए। बिल्कुल बातचीत भी हो सकती है, तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि इस समय मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप देखिए।